नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां जेजेपी नेता ने किसानों को कहा दल्ला। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेजेपी के बरोदा हलका अध्यक्ष शीलू खासा ने किसानों को लेकर दिया बेहद आपत्तिजनक बयान। आंदोलन कर रहे किसानों को बताया कांग्रेस और इनेलो का दलाल। गाँव के लोगों का नाम सामने आने पर हो गई बोलती बंद। कृषि कानूनों के खिलाफ 8 महीने से पूरे देश में आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति जेजेपी नेताओं की भाषा गंदी हो गई है। आंदोलन कर रहे किसानों को वे कांग्रेस और इनेलो के दल्ले करार दे रहे हैं। जेजेपी बरोदा के हलका अध्यक्ष शीलू खासा ने यह घोर आपत्तिजनक बात किसानों के लिए इस्तेमाल की है। किसानों के नाम पर वोट हासिल करके सत्ता में साझेदारी लेने वाली जेजेपी पार्टी के नेताओं का यह बेगर भाषा उनके लिए सियासी तौर पर नुकसानदायक होगा। हम आपको बता दें कि गांव के यानी खासा गांव के भी बहुत किसान बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पर, और उनके ही गांव को लेकर आने वाली खबर को देखकर शीलू खासा अपनी जुबान पर लगाम लगाई है। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।